वो बात दो तीन बारी से हमारे यहाँ ना लोग आ चुके हैं, वो बोल रहे कि तो हमने सोचा भाई क्यों ना किसी का वेट करने से अच्छा खुद ही लग जाते स्पेशली इसको देखो फुल मजे उठा रहे हैं। जितना काम तो भाभी जी करती है यार कर लिया अगर थोड़ा काम कम दिखता है इसको बोलो बुला दिया तो मैं ये देखो ये भी एक मतलब शो पीस है भाई ये गाड़ी जी सुबह सुबह उठकर विदाउट ब्रेकफास्ट करे हम लग गए थे काम पर क्योंकि मैं आपको सच बताऊं क्या कहां से दिखाऊं मैं तुमको अब चक्कर क्या हुआ दो तीन दिन से ना अरे यहाँ ना लोग आ चुके हैं वो बोल रहे हैं कि आपके यहाँ से ना लीकेज हो रहा है जो एसी वाला पानी है ना यूजुअली क्या होना चाहिए सीधा पानी नीचे जाना चाहिए बट वो ना वापस को मुड़ रहा है और नीचे ना क्या बोलते हैं इस दीवार में रिश्ते ना यहाँ देखो ये देख लो पूरे उसमें सिलन हो गए तो ये तो वो बोल रहे हैं जो नीचे वाले जो हमारे से नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं उन्होंने बोला कि आपके उससे पानी रिस रहा है और सीधा हमारे नीचे क्या बोलते हैं नीचे जो दीवार है इसमें रिस रहा है और उसकी वजह से सिलन आ रही है हर कुछ भयंकर। तो इसलिए आज हमने एक एसी वाले बंदे को बुलाया चेक करने के लिए कि सीरियसली ये प्रॉब्लम है भी है कि नहीं है या कुछ और है क्योंकि जो पहले आए थे हमें बताने कि आपके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो वो बोलते हैं आपके ना यहाँ कहीं प्रॉब्लम है यहाँ किसी बेंड में आपकी दिक्कत है तो उसकी वजह से पानी रिस रहा है तो वो बोल रहे थे यहाँ से तोड़ना पड़ेगा तब जाके चेक होगा कि भाई ठीक है कि नहीं है। बट जो हमने दूसरा एसी वाला बंदा बुलाया था तो वो बोलता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना आपकी मेन लाइन में दिक्कत है ना आउटर लाइन में दिक्कत है जिससे पानी बाहर निकलता है। अब समझ ही नहीं आ रहा दिक्कत है क्या हमारे दिक्कत है या नीचे जहाँ जिनके सिलन आ रही है उनके अपने उसमें कहीं दिक्कत है अंदर दीवार में वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो इसलिए आज हमने एसी वाला बंदा बुला दिया ताकि क्लैरिफाई हो सके हमें भी बार बार आ रहे थे हम उसकी वजह से एसी नहीं चला पा रहे थे क्योंकि हम चाह नहीं रहे थे कि पानी बार बार लीक हो और उनको नीचे ट्रबल हो उसकी वजह से हम एसी चला ही नहीं पा रहे थे। सुबह भाई कितने 10 बजे से आए हुए भाई और पूरा उन्होंने एसी की सर्विस कर दी चेक कर लिया कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है कुछ भी कहीं भी फॉल्ट नजर नहीं आया तो इसकी वजह से हमें तो चलो ऐसे रेक्टिफाई हो गया कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं शायद उनकी अपने उसमें कोई दिक्कत है। अब देखो एसी वाला आया सर्विस करके गया सारा सागन तो फैले गए भाई। अब हमने आपने यूजुअली देखा होगा हमारा सोफा लगा होता था इस साइड बट सोफे को हमने सबको यहाँ को शिफ्ट कर लिया था। देखो सबसे पहले तो भाई पूरे इस एरिया की सफाई करनी पड़ेगी ठीक है फिर उसके बाद सोफा शिफ्ट करके वापस वहीं लगाना पड़ेगा तो ये है आज का टास्क हमारा सबसे पहला भाई। अब हमने सोचा था जो हमारे काम करने वाली दीदी आते हैं वो साफ कर लेंगे बट उनका भी कुछ अता पता नहीं आज वो आए नहीं आज। सोचा भाई क्यों ना किसी का वेट करने से अच्छा खुद ही लग जाते सफाई में तो सबसे पहले तो देखो हमने क्या किया हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते उसके बाद सफाई करेंगे क्योंकि अगर ऐसे ही लगे रहेंगे ना भाई एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और हम बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे भाई वो हम चाहते थे तो इसलिए हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। अब ब्रेकफास्ट करके फारिग हो गए अब लगते हैं भाई सफाई में जल्दी जल्दी सफाई करते फिर और भी काम बाकी है जो करने हैं। और आज आज साहिल ने बुलाया डिनर पर क्योंकि उसके घर पे ना पूजा होने वाली है दो या तीन दिन की जैसे हमारे भी जप होते थे ना यहाँ पर वो भी अपने घर पर जप करवा रहे तो उसने आज स्पेशली सबको डिनर पे बुलाया मैं भाई रोनी भैया सबको डिनर पे बुलाया तो शाम को जाएंगे उसके घर पर पूजा पर। अभी जो सबसे मेन टास्क है वो है सोफा लगाना मम्मी सेटिंग याद नहीं थी कैसी कैसी है बट फिर हमने फिगर आउट कर लिया। ये देखो ये सबसे बड़ा पीस सबसे साइड में फिर एक और बड़ा पीस था वो सबसे सेंटर में फिर जो छोटे छोटे पीसेज है वो आसपास फिर बस अपना आखिरी पीस ये बड़े वाला ये लगेगा इधर सबसे साइड में फिर ये दो छोटी चेयर्स जो इस साइड को लगती है टेबल सेंटर में अपना सोफा सेट बाकी पोचा मार दिए। हेलो छुटकू मैं तेरे को डराऊंगा नहीं देख ये देख डर के तू खुद ही भाग रहा आ जा बेटी So cute दे वाला मजा आ गया इनको देख के स्पेशली इसको देखो फुल मजे उठा रहा है भाई। तो आ गया है हमारा वॉक टाइम बाय बेटा बाय चल ये इसकी माफी शायद। ओ भाई साहब कितना प्यारा सनसेट लग रहा है इस टाइम पे सनसेट तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं अब शाम हो चुकी है आखिरी की कुछ रेस बची है उसकी वजह से जो ऑरेंज हुआ हुआ इसका है उसके साथ जो बादल लग रहे हैं सो अमेजिंग यार सो अमेजिंग।
स्कूल बॉय की तरह नहीं आए बिल्कुल। हेलो क्या हाल चाल है भाई? नमस्कार, ठीक है आप? क्या चल रहा है? ठीक नहीं है आप अभी तक यार? मजाक उड़ा रहा तुझे इनका बच्चे हो जाता है यार, खराब थोड़ा होता है इनका तो कुछ ज्यादा ही हो है। मैंने सोचा था प्रसाद दे दे, बिल्कुल थोड़ा प्रसाद दे दे, बिल्कुल थोड़ा मुझे अपने उसकी याद आ गई भाई। ओम शांति, मैं भी नहीं लाया। ओम शांति, बात चल रही नहीं, जितना काम तो भाभी जी करती है यार, कर लिया अगर थोड़ा काम भाई मैंने तो दिलाया, देखो अच्छा नहीं है? दिलाने से होता है काम, दिलाने से होता है काम। बीमार थी ना, शॉपिंग से बंदा ठीक नहीं हो जाता क्या? शॉपिंग बीवी ही होती है। इसकी वाली रील याद आ गई, उनको पैसे लगाए वैसे ही बुखार बुखार सारा उतर गया। मेरे तो सर दर्द हो रहा है, मैं कहा आपको कैसा लग रहा है? क्या बात है यार, सबसे अच्छी चीज गांव की लस्सी पीने को मिल जाए, क्या चाहिए उससे ज्यादा? अरे कोई नहीं जी, कोई नहीं, पानी इसलिए डालना पड़ा क्योंकि बताना है ना, प्योरिटी देखो, प्योर नहीं पहुंच सकता यहाँ तक, उसके लिए हमें गुठाने जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ गया। प्योरिटी के लिए गुठा नहीं जाना पड़ेगा, सही बात है। तो भाई खाना आ चुका है, क्या क्या है भाई डिश में? गुठा की चटनी, पकड़ा गया भाई, ये क्या बात है? फिर तो ये वाला चम्मच ही बोलेगा, ये भी इनका है, सही बात है। तो सब कुछ आपका यार, भी आप रखो, कोई बात नहीं, घर भी अपना ही है, सही। तो ये देखो भाई, ये सारी डिशेज आज खाने के लिए। मैंने अपना ध्यान रखा भाभी जी हमारा, बहुत है इतना जी। कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन ना लो, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, ठीक है? क्यों नहीं आते? ये बंदा बहुत कम दिखता है, है ना, कम दिखता है इसको बोलो। अंजन ने बुला दिया तो मैं आऊंगा। देखा भाई, अब डन हो गया, अब तो ऑन कैमरा है, हम आपके पति 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 को भी चुरा रहे हो। काम से भागता है, क्या बात है यार, बाहर धूप बेशक लगी है बट ना ऐसा फील नहीं हो रहा है कि गर्मी है, क्योंकि साथ ही साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है स्पेशली साइड को, क्या बात है यार। अरे तो एसी से भी ज्यादा ठंडी हवाएं दे रहा है भाई साइड से, इसे हम एसी अपना ज्यादा यूज नहीं कर सकते। अब आपको मैंने दिखाया ही होगा कि जो हमारा जो हमने एसी का काम करवाया था वो हो तो गया था, बट उसकी वजह से ना वो जो मेन दिक्कत थी वो सॉल्व नहीं हुई थी, जो मैं आपको बोल रहा था ना, वो पाइप से पीछे पानी रिस रहा था, दीवार में लग रहा था बार बार, वो सॉल्व नहीं हुआ है मैटर यार। तो इस करके ना हम एसी ज्यादा यूज कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि नीचे वालों की कंप्लेन आ रही है बार बार। बट बहुत सही हुआ है यार आज मौसम ना, आज मौसम बहुत सही हुआ है, बिल्कुल नीला आसमान और प्यारी प्यारी सी धूप लगी है भाई। प्यारी तो नहीं होगी, जब बाहर जाएगी तब गर्मी लगेगी इसमें, बट देखने में बड़ा सही लग रहा है भाई। बाकी माफ करना शोर के लिए भाई, ये कल से लगे हुए हैं ये लोग, कल सुबह से लेकर कल रात तक भी थे, आज सुबह से शुरू हुए हुए, लग रहा आज रात तक ये लगे रहेंगे, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, बट भाई हर कुछ शोर किया है इन लोगों ने भाई। सॉरी, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि शोर बहुत है और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप लोग बोलते हो कि ऑडियो में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ आती है, और आती भी है, समझता भी हूँ। ये मैं सच बताऊँ ना, ये दिक्कत बाकी किसी की नहीं, मेरे फ़ोन की है भाई, पता नहीं क्यों बीच बीच में इसमें ऐसा हो जाता है कि ऑडियो बिल्कुल ही कम हो जाती है यार। आज का प्लान कुछ ऐसा है गाइस कि अब देखो हमारे एसी में तो कुछ दिक्कतें आ ही रही है, अब जो सेकंड चीज़
जो दिक्कत दे रही है वो है एक्वागार्ड। एक्वागार्ड मतलब पिछले हफ्ते से भाई इतनी गंदी आवाजें कट रहा है ना, पता नहीं क्यों। इसके पंप में दिक्कत है या पता नहीं किस में दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा गंदी आवाजें आ रही है। और पिछले 2-3 दिन से तो ना इसका पानी का टेस्ट भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत ही अलग हो गया भाई, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही गंदा सा हो गया। तो हमने इससे पानी पीना तो छोड़ ही दिया, अब हमने ले रहे मिनरल वाटर। हमने सोचा था सर्विस करवाएंगे, लेकिन हम ना कंफ्यूज थे सर्विस या नए लेने में। तो एट द एंड हमने यही डिसाइड किया भाई कि नया ले लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से हम इसको चला रहे हैं, काफी टाइम से इसकी सर्विस भी किए जा रहे हैं, तो उसका कुछ ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। आज मैं और भाई जाएंगे उसकी रेकी करने 2-3 जगह, जैसे रिलायंस स्मार्ट हो गया, क्रोमा हो गया, एक दो दुकानें और है, वहां चले जाएंगे। तो देखते जो पसंद आएगा वो चूज कर लगवा भी देगा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2-3 दिन से मिनरल वाटर ही पी रहे। तो भाई जस्ट अभी मैं बाहर आया, और बाहर आकर क्या देखता हूँ, ये देखो है तीज आज, कल थी। ओ क्या बात है। क्या हो गया? हाँ उनके ऊपर ही चढ़ गया। तो ऑब्वियसली भाई तू तो लड़ाई करवाएगा। तो फाइनली टाइम आ चुका है जब हम बाहर जा रहे हैं, वरना भाई सच बताओ अभी तक ना कुछ प्लान हो ही नहीं रहा था, कैंसिल हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि भाई अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था। ये बोलता कि भाई चलते हैं चलते हैं चलते हैं, एट दी एंड भाई ये बाहर आ ही गया और हम निकल गए। जिस काम के लिए मेनली जाना था वो था वाटर कूलर। छोटे आगे करना थोड़ा, आ जा यार अभी आ नहीं रहे। फॉर्चुनेटली भाई ट्रैफिक कम है एज कम्पेयर टू बाकी दिन, वरना यहाँ तो लाइन लगी होती थी मुझे याद है, बट अभी फिलहाल कम है। तो देखो हमारी पहली बारी में गाड़ी निकल भी गई एक्स्टर। ये भी एक मतलब शो पीस है भाई, ये गाड़ी खतरनाक की गाड़ी है भी, मतलब जो इसकी शेप है ना वो कुछ अलग ही है सही में यार। आगे से तब भी ठीक है, पीछे आगे से ठीक है, पीछे से तो बहुत ही अजीब है। और यहाँ फिर यहाँ के तो कुछ ज्यादा ही माड़े हाल है, गड्ढे देख रहे हो भाई, गड्ढों का साइज देख रहे हो, ये देखो ऐसा हाल है भाई यहाँ पर वीआईपी रोड पर। अब हो गया क्योस, अब देखो इस साइड से भी गाड़ी आ रही है, इस साइड से भी गाड़ी आ रही है, हमारे पीछे से एक गाड़ी वाला अलग निकल रहा है, अलग ही है भाई। आगे बीच में ना खड्डा किया हुआ है ना, उसकी वजह से ये जो ट्रैफिक है वो इस साइड को डाइवर्ट हो रहा है हमारी वाली साइड को, है ना। तुम्हें ज्यादा जल्दी है घुसने की, स्कूटर बाइक वाले इनका तो चलो कोई रहता ही नहीं लिहाज भाई, ये तो हर कहीं से चले हुए होते हैं। सही बात है ना, इंडिया में सबसे ज्यादा बुरा हाल टू व्हीलर्स ने किया हुआ है। आज पता नहीं क्यों ऐसी थकान थकान सी लग रही है, किया कुछ नहीं आज इतना ज़्यादा, बट स्टिल अभी तक हम घर वापस नहीं गए। अब आप सोचोगे गया मैं कटिंग करवाने का था, बट करवाई मैंने कटिंग है नहीं, तो यार गया तो था मैं इस थॉट से कि कटिंग करवा ही लेता हूँ, बट फिर मैंने काफ़ी सोच विचार किया कि कटवाऊँ कि नहीं कटवाऊँ, कटवाऊँ कि नहीं कटवाऊँ, फिर एट द एंड मैंने यही डिसाइड किया कि अभी ना रहने देता हूँ, अब ना शादी से थोड़े टाइम पहले कटवाऊँगा, थोड़ी लुक चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी, छोटे वालों में काफ़ी होगी लुक, माना ये अभी गर्मियों में करने वाली चीज़ है नहीं, सर्दियों में करूँ मैं अगर थोड़े बाल लंबे तो तब भी चलेगा, गर्मियों में करूँगा तो अपने लिए नुकसान है, बट स्टिल मैंने सोचा कि थोड़े टाइम रुक जाता हूँ। ऑलमोस्ट 10-15 दिन की बात है, 10-15 दिन में कितना ही बढ़ जाएंगे बाल, वैसे मेरी ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो मैंने सोचा कटिंग नहीं करवाता हूँ, तो कटिंग सिर्फ भाई ने करवाई है। तब तक भाई मैंने अपनी पेट पूजा की, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी यार, तो मैं चाय सुट्टा बाहर गया, वहाँ चाय पी, बढ़िया मैगी खाई, और भाई तब तक भाई भी फ्री हो गया। अब हम निकल रहे हैं वापस की तरफ, थोड़ा सामान लेने गया भाई, जैसे ही वो सामान लेके आ जाएगा हम निकल जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि आज भी हमने जाना है साहिल के घर। अब यार जैसे उनके घर पे पूजा चल रही है, तो साहिल ने बोला कि रोज नीचे आना है तुमने, ताकि तुम भी मतलब प्रसाद चख सको, उस लिए मैं चल ठीक है भाई आ जाएंगे, एक बार भी मना नहीं करेंगे इस बात के लिए।